हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर ये चल रहा था, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। इसमें हमारा अगला टॉपिक होगा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होगा। लेंस के दोनों ओर का माध्यम जो होगा वो समान होगा, और ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। तो इसमें कुछ पहले इसमें ये जो डायग्राम है इसको आप बनाएंगे अपने कॉपी पे। हेडिंग डालने के बाद ये पूरा डायग्राम होगा, और इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको इस तरीके से कि पूछ सकता है किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र 1 upon f = n - 1 1/r1 + 1/r2 का अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या के पदों में इसको स्थापित कीजिए, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आप चाहें तो इस तरीके से पूछेगा तो तब भी यही सब करके दिखा सकते हैं। और बाय द वे, ऐसे आपको पूछे कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र बताइए, तब भी आप इसी को ही करेंगे। तो पहले इसमें आप डायग्राम इसको पूरी तरीके से बना लीजिए। इसमें ये लेंस है, ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। लेंस यल से हमने दिखाया, लेंस का मुख्य अक्ष जो है उस पर हमने यहाँ से कोई बिंदु वस्तु ले लिया है, और यहाँ से बिंदु वस्तु से इस लेंस पर जब प्रकाश की किरण पड़ी तो यह इसका अपवर्तन जो हुआ उससे आपको आई और आई डैश मिला। आई क्या है? वो तो वास्तविक है, लेकिन हमने एक इसका और प्रतिबिंब जो बन रहा था वो आभासी मान लिया। ये इसका आभासी प्रतिबिंब आई डैश है। इस पर जो पोल है P1 और P2, और माध्यम दोनों माध्यम दोनों ओर का, तो लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है, और ये N2 है। बिंदु वस्तु से लेंस तक की दूरी U होती है, प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V, और जो इसका आभासी प्रतिबिंब I डैश बन रहा है वहाँ तक की दूरी इसकी V डैश हो जाएगी। तो आप इसमें लिखिए, डायग्राम बनाने के बाद माना कि एक पतला उत्तल लेंस, सॉरी डायग्राम बनाने के बाद इसमें एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, लिखिएगा n upon V - 1 upon U = n - 1 upon R। इसको हमने इसके पहले आपको ये बताया था, इस ये जो आपका फार्मूला निकल के आया था इसको हमने इसके पहले प्रूफ करवाया था। ये कॉन्वेक्स सरफेस वाला फार्मूला जो हमने प्रूफ करवाया था उसी को हमने लिया है। इससे हम निकालेंगे लेंस मेकर सूत्र, ठीक है? तो इसको लिखने के बाद इस फार्मूले को n upon V - 1 upon U = n - 1 upon R, इसके बाद लिखिए माना कि एक पतला उत्तल लेंस वायु में रखा है, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है, तथा लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान है n1, जिसका अपवर्तनांक n1 है, इसके बाद लिखिए प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र n upon V - 1 upon U = n - 1/R, इससे माना किरणें n1 से n2 में जा रही हैं। अपवर्तन के सूत्र से हमने देखा जो किरण ले अगर
अगर हम ये किरण देख रहे हैं कि N1 से ये N2 में जा रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो ये फार्मूला है इसी पे हम पुट करेंगे। तो फिगर तो हमको डस्ट करना पड़ेगा। अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन कैपिटल आर। इसमें हम उस डायग्राम के हिसाब से पुट करेंगे। दिया है कि अपवर्तन के सूत्र से जो किरणें जा रही थी वहाँ पे लेंस में, N1 से N2 में होकर जा रही थी। आप डायग्राम को अपने साथ रखिएगा और डायग्राम से देखते हुए जो किरण N1 से N2 में जा रही थी, तो पहले जिसमें जा रही थी वो चीज़ लेंगे। तो यहाँ पे N2 लेंगे, N2 अपॉन वी डेस माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू, पहले जिसमें जा रही थी वो लेंगे, तो N2 माइनस N1 अपॉन कैपिटल आर ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब आई डैश, प्रतिबिंब आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। इसलिए द्वितीय गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसलिए द्वितीय गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से किरणें N2 से N1 में जा रही हैं, किरणें N2 से N1 में जा रही हैं। जो इसका दूसरा पृष्ठ था, जो हमने वहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाया था, तो यहाँ से जो इसका आई डैश प्रतिबिंब जो बन रहा था वो तो आभासी होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो किरणें कैसे जा रही हैं, N2 से N1 की तरफ जा रही हैं। अभी N1 से N2 में जा रही थी, अब जब दूसरा पृष्ठ हम यहाँ से इसका दूसरा पृष्ठ बनता है उसको लेंगे, तो ये N2 से N1 में जा रही है, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन वी डैश माइनस टी। वी डैश माइनस टी कहाँ से आया, वहाँ पे जो इसका ये यहाँ से वस्तु से लेंस तक की दूरी यू बोलते हैं इसको, और लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो यू वी है, वी डैश जो है वो जो इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, दूसरा पृष्ठ जो गोलीय पृष्ठ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या होगा, वी डैश होगा। तो यहाँ से हमें यू डैश पता करना है, यू को पता करना है। तो जो दूसरा वाला पृष्ठ है वहाँ से हम देखेंगे तो N2 से लेंगे और ये आई डैश तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो N2 जो है वो पूरा है टी, इसकी पूरी चौड़ाई टी है और ये क्या है वी डैश है, तो इसका हो जाएगा वी डैश माइनस टी। तो यहाँ से हम लेंगे वी डैश माइनस टी, यू की जगह पे वी डैश माइनस टी। यहाँ से N2 से N1 में जा रहा था, तो जो जिसमें जाएगा तो वो वाला माध्यम पहले लेंगे जिसमें किरण जाती है, तो यहाँ पे N1 में जा रही है N2 से, तो N1 लेंगे, N1 अपॉन वी माइनस कहाँ से जा रही है N2 से, N2 अपॉन जो U का मान हमने निकाला वी डैश माइनस टी। फिर इसके बाद N1 माइनस N2 अपॉन कैपिटल R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन। इसके बाद है, इसके बाद लिखिए पतले लेंस के लिए टी का मान, पतले लेंस के लिए टी का मान उपेक्षणिक मानने पर, पतले लेंस के लिए टी का मान उपेक्षणी मानने पर, मतलब जो टी है यहाँ पे उसे अगर हम नेग्लेक्ट मान लें, इसका मतलब नेग्लेक्ट मान लें कुछ भी ना हो इसका मतलब, तब क्या आ जाएगा N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन वी डैश हो जाएगा। यहाँ पे ये नेग्लेक्ट हो गया,
वी डैश इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू अपॉन कैपिटल आर टू, इसे इक्वेशन सेकंड करें। फिर इसके बाद लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, उसे जोड़ने पर, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। फर्स्ट वाला आपकी कॉपी में होगा, वहाँ पे एन टू अपॉन वी डैश, तो एन टू अपॉन पहले एन वन को ले लेते हैं, एन वन अपॉन वी प्लस एन टू अपॉन वी डैश। ये पूरा ले लीजिए, पहले इक्वेशन से एन टू अपॉन वी डैश माइनस एन वन अपॉन यू प्लस जो इसका दूसरे वाले इक्वेशन का पार्ट है एन वन अपॉन वी माइनस एन टू अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन वन माइनस एन टू अपॉन आर वन प्लस एन टू माइनस एन टू माइनस एन वन अपॉन आर टू, या और करके एन टू अपॉन वी डैश, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, जो इसमें से कटेगा उसको काट देंगे, तो यहाँ से देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा क्या, ये निगेटिव है, इसको उधर ले लेते हैं, एन वन अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन टू के उधर ले लें और एन वन इधर कर दें, ये हो जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यहाँ से फिर जो एन वन है इसको ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। फिर इसके बाद है यहाँ से जो ये एन वन वाला है वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा एन टू अपॉन एन वन, और ये फिर इसके बाद माइनस एन वन अपॉन एन वन, तो वन हो जाएगा ये वन, इसके बाद है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इसके बाद लिखेंगे यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। तो वस्तु जो है वस्तु से प्रति जो वस्तु होती है उसे यू से डिनोट करते हैं, तो वस्तु अगर क्या है अनंत पर रखी हो तो यहाँ से इनफाइनाइट ले लें, और जो इसका प्रतिबिंब हो वो फोकस पे बनता है, तो वी इज इक्वल टू एफ। अब इसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन थर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए इसे, इस मान को समीकरण थ्री में रखने पर
तो थ्री वाला इक्वेशन क्या है, वन अपॉन वी, वी की जगह पर हम यफ रख दें, वन अपॉन यफ हो जाएगा माइनस यू की जगह पर इनफाइनाइट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन, ये हो जाएगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर टू, या ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब हो जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माध्यम यन वन जो है माध्यम वन के सापेक्ष माध्यम टू का अपवर्तनांक, तो इसको वन एन टू भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी लिखें तब भी ये गलत नहीं होगा आपका, और आपको अगर ये ठीक नहीं लगता तो आप ऐसे भी लिख कर सकते हैं एन टू अपॉन एन वन माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये इक्वेशन फोर है। इसके बाद यदि पहला माध्यम वायु हो तो इसमें जो यन वन था अगर वो वायु में हो तो, यदि पहला माध्यम वायु हो तो तब क्या होगा, तब जो एन टू अपॉन एन वन है वो क्या आ जाएगा, यन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे यन के बराबर इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, किसके इक्वल हो गया, यन के, जब माध्यम वायु लेंगे तब, तो ये हो जाएगा यन माइनस वन वन अपॉन कैपिटल आर वन वन अपॉन कैपिटल आर टू, या यही क्या हो जाएगा आपका, यही है लेंस मेकर सूत्र। या लेंस का सूत्र कह सकते हैं या लेंस मेकर सूत्र कह सकते हैं। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, इक्वेशन थर्ड जो आपका आ रहा होगा वो है वन वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन आर वन माइनस आर टू, ये था थ्री वाला। तो थर्ड और फोर्थ से अगर देखें तो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, समीकरण थ्री व फोर से ऊपर का जो इस साइड का पार्ट है वो पूरा आपका कट जाएगा, आएगा क्या वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ये आपका आ गया। यही है लेंस सूत्र, इसे हम क्या कहेंगे, लेंस का सूत्र कहेंगे, लेंस मेकर सूत्र, इसे ऐसे ही प्रूव करेंगे। अगर एग्ज़ाम में हमने क्वेश्चन पे भी बताया था कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे तो आप उस तरीके से भी यही वाला डायग्राम बना के इसी तरीके से डेरिवेशन करेंगे, और अगर हेडिंग की तरह बस पूछ दें कि लेंस मेकर सूत्र बताइए या इसकी सहायता से पतले लेंस का सूत्र निकालिए, तब भी आप यही करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात करना। इसके बाद हमने बोली थी अगली हेडिंग संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करना। यहाँ पे दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, इनकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो हम लेंगे लेंस वाला फॉर्मूला जो लेंस सूत्र है उससे ही करेंगे, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। इसके बाद है
लिखेंगे प्रतिबिंब आई डैश प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। प्रतिबिंब जो आई डैश है वो दूसरे वस्तु के लिए आभासी प्रतिबिंब का कार्य करेगा, इसलिए दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब आई पर बनेगा। इसलिए जो दूसरे लेंस का प्रतिबिंब है ये किस पे बनेगा? आई पर बनेगा। तब लिखेंगे यदि प्रतिबिंब आई की दूसरे लेंस L2 से दूरी यदि प्रतिबिंब आई की L2 से दूरी V हो तो यहाँ से जो लेंस है L2 यहाँ से I तक की दूरी क्या होगी? V होगी। V हो तो लेंस का सूत्र, तब लेंस का सूत्र क्या होगा? वन अपॉन, यहाँ पे दो फोकस बन रहा है, एक F1 और F2, तो ये हो जाएगा वन अपॉन F2 इज इक्वल टू वन अपॉन जो V डैश है, ये क्या है? जो प्रतिबिंब की लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी V आ गई है, तो हम V लिखेंगे वन अपॉन V माइनस वन अपॉन U। इसके बाद इसे इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? वन अपॉन F इस वाले टर्म, वन अपॉन V डैश माइनस वन अपॉन U प्लस वन अपॉन V माइनस वन अपॉन U इज इक्वल टू वन अपॉन, इसको F1 मान ले तो F1 प्लस वन अपॉन F2। यहाँ से जो कटने वाला है वो काट देंगे, V डैश सॉरी यहाँ पे V डैश U का जो है U, यहाँ से U जो बन रहा था वो क्या है? V डैश है, यहाँ पे V डैश लेंगे। यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस फॉर्म में है, तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा आपका वन अपॉन यू है, तो प्लस वाले को आगे कर लेते हैं, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, या इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन F। अभी इसको इक्वेशन थर्ड कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा लिखिए। यदि इन दोनों लेंसों की जगह, यदि जो डायग्राम में दो लेंस हैं उनकी जगह कोई एक ऐसा लेंस प्रयोग किया जाए जो U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब V दूरी पर बनाए, यदि फोकस दूरी हम कैपिटल F ले लें, यदि फोकस दूरी कैपिटल F ले लें तब क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा वन अपॉन F1 प्लस वन अपॉन F2 दोनों का, ये पूरा कैपिटल F के इक्वल हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन फोर कर लीजिए। इसके बाद है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या है? ये टर्म आपका कैंसिल हो जा रहा है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देख रहे हैं, तो बच क्या रहा है? वन अपॉन कैपिटल एफ इज इक्वल टू वन अपॉन स्मॉल एफ वन प्लस वन अपॉन स्मॉल एफ टू, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। और यही क्या कहलाएगा? संपर्क में रखे दो लेंसों से जो फोकस दूरी का व्यंजक निकालना है आपको, वो यही हो जाएगा, उसका सूत्र यही बन कर आएगा, वन अपॉन कैपिटल एफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। इसमें एक कंडीशन होगी, जबकि एक लेंस उत्तल लेंस हो और दूसरा लेंस अवतल हो
इसकी दूसरी कंडीशन जो रहेगी, एक तो कंडीशन है संपर्क में रखे लेंसों के लिए ये था, और दूसरी इसमें थी कि अगर एक उत्तल हो और दूसरा अवतल लेंस हो तब क्या हो जाएगा, वहाँ पे बस ये हो जाएगा कि जो एफ वन है वो प्लस हो जाएगा और एफ टू जो है, एफ टू अवतल लेंस के लिए था तो ये माइनस हो जाएगा। इसको लिख देंगे वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन माइनस वन अपॉन एफ टू, उसके लिए ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये पूरा डायग्राम आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।